जय राम जी के दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। सभी बड़ों के चरणों में प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया था, जिस पर एक जातक ने ये जानने की कोशिश की थी कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाह किस समय करना चाहिए। देखो, विवाह कितने प्रकार के होते हैं ये तो मैं आपको बता दूंगा, और मुख्य विवाह हमारे प्राचीन समय में कौन कौन से रहे ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन विवाह का होने का शुभ समय तो वो विधाता ही कुंडली के अनुसार तय करता है, लेकिन फिर भी उस पर थोड़ा सा प्रकाश में डालने की छोटा सा कोशिश करूँगा, जो आमतौर पर आप देख सकते हो। जिनके पास कुंडलियाँ नहीं है वो भी थोड़ा इस बात का ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं विवाहों के प्रकार की। विवाहों पर आने से पहले एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जातक पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितनी आप अधिक इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे मैं उतनी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो आज की वीडियो आरंभ करते हैं। पहले विवाहों के प्रकार। अगर हम विवाहों के प्रकार की बात करें तो वैदिक समय में या प्राचीन समय में हमारे देश में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, जिसमें पहले था पिशाच विवाह, दूसरे नंबर पर राक्षस विवाह, तीसरे पे गंधर्व विवाह, चौथे पे असुर विवाह, फिर प्रजापत्य विवाह भी बहुत प्रचलन में था। इसके अलावा हमारे छठे नंबर पे आता है अर्षा विवाह, सातवें नंबर पे देव विवाह और आठवें नंबर पे ब्रह्मा विवाह सबसे शुभ माना जाता था। इस प्रकार के 8 विवाहों का वर्णन पुराने समय में मिलता है, लेकिन सबसे प्रचलन में जो 2 विवाह रहे वो रहे गंधर्व विवाह और ब्रह्मा विवाह। और आज भी अधिकतम हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो इन 2 तरहों के विवाहों को ही ज़्यादा मान्यता देती है, जिसमें से सबसे अधिक और सबसे सही शुभ जो है ब्रह्मा विवाह को मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं जो 2 विवाह हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा प्रचलित रहे उनके बारे में। गंधर्व विवाह का नाम तो आपने सुना ही होगा। गंधर्व विवाह के प्राचीन समय के कुछ उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ोगे तो। इसमें जो लड़का होता था और लड़की वो आपस में प्रेम विवाह करते थे, जिसमें घर के बाकी सदस्यों का उस समय सम्मिलित होना कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं माना जाता था। लड़के और लड़की के रजामंदी से ये विवाह उस समय होता था। और हमारे समाज में जो सबसे प्रचलित विवाह रहा है वो है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह में क्या होता है कि लड़के और लड़की दोनों के घर वालों की रजामंदी से इस विवाह को किया जाता है। इस विवाह में लड़का का पक्ष जो होता है वो लड़की के घर आदर सहित वधू को अपने साथ विवाह की सभी रस्म और रिवाजों के अनुसार लेकर अपने घर पर आदर सहित आता है। पूरे समाज को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस और लड़की का पिता पूरे विधि विधान से अपनी कन्या का दान करता है, जिसको हमारे समाज में कन्यादान के नाम से जाना जाता है। यह विवाह सबसे ज़्यादा भारतीय संस्कृति में प्रचलित है, ब्रह्मा विवाह। अब बात करें कि आयु की, कि आयु किस समय होनी चाहिए विवाह के लिए। तो भारत सरकार की तरफ से आपको पता है 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के का होना आवश्यक है। लेकिन इसी विषय पर एक ज्योतिषीय प्रकाश में आपको डालने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी लड़का हो उसका विवाह अगर उसकी विषम आयु में हो, विषम आयु जैसे 21 साल, 23 साल, 25 साल, तो वो शुभ माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। और लड़की का विवाह भी विषम आयु में ना होकर सम आयु में हो, सम आयु में मतलब जैसे 18 साल, 20 साल, 22, 24 ऐसे। इसीलिए भारत सरकार ने भी इसी प्रकार का नियम बनाया है, विषम आयु लड़के की निर्धारित की है और सम आयु लड़के की। किसका विवाह किस समय होगा ये तो उसकी कुंडली को जांच कर ही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप जानने की कोशिश करो कि किस समय करना चाहिए तो वो मैंने आपको बता दिया, जो आपने वर्ष के बारे में पूछा था किसी ने। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु से यही कामना है। प्रभु की कृपा पर बनी रहे, उस प्रभु की इच्छा बिना तो किसी का कोई कार्य नहीं होता, चाहे वो विवाह संस्कार हो या 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार हो।
जयराम जी की।